हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मुझे बोला कि मैम हमें सेट के क्वेश्चन और बता दीजिए, तो मैं आपको आज सेट के क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में से आपको करना है डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम और SDLC के पूरे कंप्लीट फेजेस, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अच्छे से कर लेते हो, अगर 2 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट जो सेट है वो पूरा आपका SDLC पर बेस्ड है। ठीक है, फिर आप अच्छे से करिएगा रोल ऑफ सिस्टम एनालाइज, एनालाइज्ड यूज़र इंटरफेस, सिस्टम की प्लानिंग कैसे करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ये सारा आप यूनिट फर्स्ट में से करिएगा। फिर उसके बाद आप यूनिट फर्स्ट में करेंगे फैक्ट फाइंडिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स करोगे अच्छे से, फैक्ट एनालाइज्ड करोगे अच्छे से, इतना तो आपको फर्स्ट यूनिट में से करना है। फिर आती है हमारे पास यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आप करोगे टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, व्हाट इज़ DFT, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, डाटा डिक्शनरीज क्या होती हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डिसीजन ट्री क्या होते हैं, डिसीजन टेबल्स क्या होती है हमारे पास, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी करोगे, राइट। फिर आप आगे सेकंड यूनिट में करोगे स्टेप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ओरल प्रेजेंटेशन, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। उसके बाद आप बस इतना आप सेकंड यूनिट से करोगे। फिर आती है हमारे पास थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट को अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बस इसमें आप लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन कर लीजिएगा, ये टॉपिक अच्छे से करिएगा। यूनिट फोर्थ आपने कंप्लीट करनी है सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टेस्टिंग प्लानिंग क्या होती है, टेस्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं, और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, सिस्टम लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम को इवेल्यूएट कैसे करते हैं, मेंटेनेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और हाँ, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप थर्ड यूनिट को, मैंने इसमें आपको छोड़ने का बोला है कि आप थर्ड यूनिट स्किप कर सकते हो, राइट। बाकी के यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट फोर्थ आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब मैं आपको कुछ बेसिक, इसी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, उनको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आप एक दिन पहले भी देखेंगे तो भी आपको अच्छे से उनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा और उनको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कंप्लीट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता क्या है। अगर आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे और आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, राइट। तो देखिए, बताती हूँ आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को हम SAD कहते हैं, SAD, SAD, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन। इसका यूज़ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसमें हम कंप्यूटर पर बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो भी आउटलाइन तैयार की जाती है, जो भी योजना बनाई जाती है, उसमें यूज करते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है, और जो भी तरीका सबसे अच्छा होता है उसके यूज से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तैयार किए जाते हैं, राइट।
सिस्टम एनालिसिस में हम काम को करने वाले जो भी लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनको हम सिस्टम एनालाइज्ड कहते हैं। किसी भी सिस्टम एनालाइज्ड के ग्रुप में अलग अलग, सबकी अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी अपनी उनकी अपनी अपनी एजुकेशन होती है, अलग अलग तरीके के पीपल्स होते हैं, जैसे कि मैनेजर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, हर तरीके के पीपल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अब कि क्या क्या स्टेप्स हम करते हैं, मेन स्टेप्स हम क्या क्या फॉलो करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में। देखिए, हम डिफाइन करते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को, कि सबसे पहले हम यूजर की नीड्स को समझें। सिस्टम एनालाइज का सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट काम होता है कि इसके लिए नई नई टेक्निक्स को सर्च किया जाए और उन टेक्निक्स का यूज किया जाए। जैसे कि हम इसमें यूज करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, क्वेश्चनरी होगी, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करेंगे। एनालाइज एंड इवेल्युएशन क्या होता है? अगर देखिए कोई भी कस्टमर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आज के टाइम में पूरा कंप्यूटर बेस्ड कोई भी कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है या फिर एमएस ऑफिस पे काम कर रहा है, किसी भी उसमें वो काम कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, वो एनालाइज्ड जो होगा वो उसकी जांच करेगा, वो देखेगा कि यूजर की जो नीड्स हैं उसको किस हद तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट कर रहा है, या फिर हम उसकी जो भी अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं और हम कैसे उनको किस हद तक उसकी जो भी नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर देखेगा। फिर प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें सिस्टम एनालिसिस टीम के जो सभी लोग हैं वो आपसी सहमति से किसी भी कस्टमर के की जो मेन नीड्स होगी उनको पूरा करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? किसी भी कस्टमर के प्रॉब्लम का बहुत डीप में, डिटेल में रिसर्च करने के बाद जो एनालाइज्ड होगा वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी उसके पास तरीके होंगे उन सबको अच्छे से स्टडी करेगा और फिर सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन को वो चूज करेगा। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, इसमें वो देखेगा कि जो सिस्टम एनालाइज्ड है वो उस कस्टमर को या फिर वो जो भी, मतलब कोई भी हो सकता है जो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है या फिर वहां पर काम कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें मतलब एक उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जिसमें कि वो उस कस्टमर की सभी नीड्स की डिटेल्स में नॉलेज होगी, जिससे कि वो जो कस्टमर है वो उसकी सारी उससे जो भी उसकी नीड्स होंगी उससे, मतलब जो भी वो सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेगा उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करती होंगी, उसकी सभी जरूरतों को अच्छे से समझा जाएगा और अगर वो चाहे तो कुछ नई नीड्स भी अपनी उसके अंदर ऐड कर सकता है। डिजाइनिंग सिस्टम, इसमें हम क्या देखते हैं कि सिस्टम एनालाइज ने जो भी सॉल्यूशन दिए हैं उसके बेस्ड पर, जो अगर वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होगा वो अपने कोडिंग के काम को स्टार्ट कर देता है। अब टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह के कोई एरर्स हैं तो उन एरर्स की जांच की जाती है और यह भी देखा जाता है कि जिन नीड्स को पूरा करने के लिए हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था, क्या ये सॉफ्टवेयर उन सारी नीड्स को पूरा करने में कैपेबल है या नहीं है। जब उस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट वो सक्सेस हो जाता है टेस्टिंग वर्क, तो फिर हम उस कंप्लीट मशीन की भी जांच करते हैं जिसके साथ वो सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर पर आधारित जो भी आप जिसको भी आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से टेस्ट करने के बाद कस्टमर की
नीड्स के अकॉर्डिंग उसे उस जगह पर स्थापित कर दिया जाता है जहां पर उसे उसका यूज करना है। इसके लिए हम उस कस्टमर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे इसका यूज करना है। आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारी लैब में हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या फिर आप अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो और मैंने आपसे कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये काम करना है, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाए, यही आपका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की एडवांटेजेस क्या क्या होती है, ठीक है, ये आप एडवांटेजेस अपने आप से कर लेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउ द एनालाइज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन ए लॉजिकल वे। इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच विच यूज ग्राफिकल टूल्स दैट एनालाइज एंड रिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेवलप ए न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन विच कैन बी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। It has the following attributes. It is a graphic which specify the presentation of application. It divide the process so that it gives a clear picture of system flow. It is logical rather than physical. Elements of system don't depend on vendor or hardware. It is an approach that works from high level overviews to lower level details. नेक्स्ट आता है व्हाट आर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स। टूल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश एंड सूडो कोड। आप बेसिकली देखिए डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है, इट इज ए टेक्निक डेवलप्ड बाय लैरी कॉन्स्टेंट इन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम इन ए ग्राफिकल फॉर्म, जहां पर हम चीजों को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डाटा फ्लो डायग्राम। इट शोज द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन वेरियस फंक्शंस ऑफ सिस्टम एंड स्पेसिफाई हाउ द करेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन फेज दैट फंक्शनली डिवाइड्स द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल। Its graphical nature makes it a good communication tool between user and analyze or analyzed and system designer. It gives an overview of what data system process, what transformation are performed, what data are stored, what results are produced and where they flow. हम इसके अंदर कुछ symbols use करते हैं जब भी हम design करते हैं DFT को। स्क्वेयर यूज करते हैं, स्क्वेयर का मतलब होता है कि आप इसको यूज कर रहे हो सोर्स के लिए या फिर डेस्टिनेशन के लिए डाटा की, मतलब सोर्स इनपुट के लिए, डेस्टिनेशन मींस आउटपुट के लिए। आप एरो का साइन यूज करते हो, एरो सिंबल यूज करते हो, कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ डाटा जा रहा है, डाटा फ्लो के लिए। आप सर्कल यूज करते हो, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फ्लो। आप ओपन रेक्टेंगल यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं तो डीएफटी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल डीएफटी होता है और दूसरा लॉजिकल डीएफटी होता है। फिजिकल डीएफटी क्या होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, इट शोज विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। एंड लॉजिकल डीएफटी क्या होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, इट फोकस ओनली ऑन फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन प्रोसेस। फिजिकल डीएफडी प्रोवाइड करता है लो लेवल डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स एंड पीपल, जबकि जो लॉजिकल डीएफडी है वो एक्सप्लेन करता है इवेंट्स ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा रिक्वायर्ड बाय ईच इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होता है, डाटा डिक्शनरी इज ए स्ट्रक्चर्ड repository of data elements in the system. It stores the description of all DFT data elements, that is details and definitions of data flow, data stores, data stored in data stores and the process. Data dictionary improves communication between the analyzed and the user. It plays an important role in building a database.
मोस्ट डीबीएमएस हैव ए डाटा डिक्शनरी एज ए स्टैंडर्ड फीचर. फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम आईएसबीएन नंबर होता है, उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने यूज किए जा रहे हैं. अगर आप कोई टाइटल्स ले रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, टाइटल क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स यूज किए हैं. अगर बुक्स का हमने डाटा नेम रख दिया सब यानी कि सब्जेक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में दोगे आपकी बुक सब्जेक्ट, उसमें हमने नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने यूज किए हैं. नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री आर ए मेथड फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बाय डिस्क्राइबिंग डिसीजंस एंड अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन. अ डिसीजन ट्री इज अ डायग्राम दैट शोज अल्टरनेटिव एक्शंस एंड कंडीशंस विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क. दस इट डिपिक्ट्स व्हिच कंडीशंस टू कंसीडर फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन. डिसीजन ट्री डिपिक्ट द रिलेशनशिप ऑफ ईच कंडीशन एंड देयर परमिसेबल एक्शंस. स्क्वेयर नोड इंडिकेट्स एन एक्शन एंड ए सर्कल इंडिकेट्स ए कंडीशन. जहां पर आप कंडीशन लगा देते हो कि या तो ये काम होगा या फिर ये काम होगा, तो सीक्वेंस होता है मोस्टली देखा जाए तो एक्शंस का सीक्वेंस होता है जहां पे हम कंसीडर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द एक्चुअल डिसीजंस दैट मस्ट बी मेड. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल आर ए मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप इन ए प्रिसाइज मैनर विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. यूजफुल होती है सिचुएशंस वेयर द रिजल्टिंग एक्शंस डिपेंड ऑन द अकरनेस ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस. इट इज ए मैट्रिक्स कंटेनिंग रो और कॉलम्स फॉर डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम एंड द एक्शंस. इसमें आप कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हो. व्हाट कंपोनेंट? कंडीशन स्टब यूज करते हो. अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट व्हिच लिस्ट ऑल द कंडीशंस टू बी चेक्ड, जिसमें सभी कंडीशन चेक्ड हो चुकी होती हैं. एक्शन स्टब यूज करते हो जो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट व्हिच आउटलाइंस ऑल द एक्शंस टू बी कैरीड आउट टू मीट द सच कंडीशंस. नेक्स्ट आप कंडीशन एंट्री यूज करते हो. इट इज एन अपर राइट क्वाड्रेंट व्हिच प्रोवाइड्स आंसर टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन कंडीशन स्टब क्वाड्रेंट. आप एक्शन एंट्री यूज करते हो. इट इज इन लोअर राइट क्वाड्रेंट व्हिच इंडिकेट्स द एप्रोप्रिएट एक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द आंसर्स टू द कंडीशंस इन द कंडीशन एंट्री क्वाड्रेंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश. स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच गिव्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड प्रीसियस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस. इट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल लॉजिक दैट यूज कंस्ट्रक्शंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर एक्शंस. इट इज बेस्ट यूज व्हेन सीक्वेंस एंड लूप्स इन ए प्रोग्राम मस्ट बी considered and the problem needs sequence of actions with decisions. It doesn't have strict syntax rule. It expresses all logic in terms of sequential decision structure and iterations. Next aata hai hamare paas pseudocode. Pseudocode doesn't conform to any programming language and express logic to plain English. It may specify the physical programming logic without actual coding during and after the physical design. Used in conjunction with structured programming, it replaces the flowchart of a program.